रूस यूक्रेन युद्ध के बीच देश से गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की मांग विदेशों में बढ़ गई है। इसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है, लेकिन सरकार ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गेहूं के निर्यात का फैसला किया है। गेहूं निर्यात प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं 13 मई को ये आदेश आने के बाद जो सामान विदेश जाना था वह अब बांग्लादेश सीमा पर फंस गया है। बांग्लादेश सीमा पर करने के लिए DGFT से मंजूरी के इंतजार में गेहूं से लदे 500 से अधिक वैगन एक महीने से अधिक समय से अटके हुए हैं। वहीं इससे व्यापारी परेशान हैं। कुछ अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर जल्द से जल्द गेहूं भिजवाने की कार्रवाई में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये मामला सुलझ जाएगा, वहीं किसान और व्यापारियों की परेशानी कम होगी। सरकार ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, लेकिन इसने 13 मई के अपने गेहूं निर्यात प्रतिबंध आदेश में संशोधन किया है ताकि सीमा शुल्क प्रणाली के साथ पंजीकृत पूर्व निर्यात खेपों को अनुमति दी जा सके और उन्हें 13 मई या उससे पहले जांच के लिए सौंप दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।